श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपन इस डिस्कशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रजिस्ट्रेशन चैप्टर को कवर अप करते हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में 6-7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट LDR में कवर अप किया गया, और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, और MCQ में भी भर भर के होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं जो कि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा बूस्टअप करेगा। ओके, तो भाई रजिस्ट्रेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमको, आपको सभी को, एग्रीगेट टर्नओवर को समझना जरूरी है। एग्रीगेट टर्नओवर पे कमांड हुआ सब ओके, एग्रीगेट टर्नओवर पे कमांड नहीं है सब फीका है। अब एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड क्या क्या होते हैं? ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरेस्टेड सप्लाई। एग्जेम सप्लाई पे स्टार है, मतलब एग्जेम सप्लाई में इंक्लूड होते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी। एग्जेम सप्लाई में इंक्लूड होते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं? CGST, SGST, IGST, UTGST, कंपनसेशन सेस और वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन इज टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब ये तो सप्लायर का सप्लाई हुआ ना, आप तो ड्यू टू RCM आप टैक्स पे कर रहे हो, ये आपका टर्नओवर नहीं हुआ, तो इसको भी एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर को समझे, एग्रीगेट टर्नओवर को याद कर लेना है अच्छे से। दूसरा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ लायबल टू रजिस्टर्ड, किस किस स्टेट में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टेट स्पेसिफिक होता है, तो किस किस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई को कंसिडर करिएगा। मतलब क्या कि सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी फ्रॉम हियर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई। क्या टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन ए प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो अगर आप एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट आप टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, बार बार वर्ड मार रहे हैं कि आप वहीं रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं उसी स्टेट में जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एग्जेम सप्लाई है तो रजिस्ट्रेशन लेने की नो सच नीड। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई अगर आप एक्सीड करते हैं, M2NT स्टेट का लिमिट क्या है? 10 लाख। अब M2NT क्या है, फादर में क्लियर करते हैं, 20 लाख है मेघा जैसी सपूत। अब इसमें कौन कौन से स्टेट है, निमोनिक बना हुआ है, सपूत कैसी होनी चाहिए? मेघा जैसी। रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या है? 40 लाख। अगर आप कॉम्बो कर रहे हो, मतलब गुड सर्विस दोनों है, या स्पेशली सर्विस में डील कर रहे हो, ठीक है, या बोथ, तो ये लिमिट कैसे हो जाएगी? M2NT में 10 लाख, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो जाएगा? 20 लाख। इसको लिखना है, बशर्ते किसी भी क्वेश्चन के आंसर को करने पे जहां पे आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि किस किस स्टेट में लेने की नीड है, तो ये आपके आंसर का पार्ट बनेगा। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ऊपर में निमोनिक के साथ मैंने कोशिश करा कि आपको एज इट इज दिमाग में ये चीज छप जाए। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं M2NT क्या था। M दो बार है, मणिपुर और मिजोरम, N फॉर नागालैंड, T फॉर त्रिपुरा। ठीक है, मेघा जैसी सपोत, मेघा मतलब मेघालय, एस मतलब सिक्किम, ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, पी मतलब पुडुचेरी, यू मतलब उत्तराखंड, टी मतलब तेलंगाना। ठीक है, तो इसको आप निमोनिक के साथ एज इट इज याद करेंगे, इसको 2-4 बार रिपीट करेंगे, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि सिर्फ गुड्स में अगर डील कर रहे हैं तो M2NT 10 लाख, मेगा जैसी सपूत कितना है? 20 लाख, रेस्ट ऑफ इंडिया 40 लाख। अगर आप गुड्स सर्विस दोनों में हैं या सर्विस में कर रहे हैं तो M2NT में 10 लाख और रेस्ट ऑफ इंडिया में कितना है? 20 लाख। मतलब इसको आप 2-4 बार रिकॉल करोगे ना तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ये एक चार्ट को समझना जरूरी है। देखिए, अगर इसको समझ गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हाथ में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको 4 वैरायटी में बांटे,
बिहार है और मणिपुर है। बिहार में टैक्सेबल सप्लाई का लिमिट क्या है? 20। मणिपुर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, 10 लाख। ठीक है, गुड सर्विस दोनों में आप डील कर रहे हो। ओके, मान लो कि टर्नओवर बिहार में आपका 8 लाख हुआ, मणिपुर में 1 लाख हुआ, एग्रीगेट टर्नओवर कितना हुआ? 9 लाख। तो जहां भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट फॉल कर जाएगा तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट रिड्यूस होकर स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसी हो जाएगी, मतलब कितनी? 10 लाख। तो अभी यहाँ पे अप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 10 लाख, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 9 लाख ही है, मतलब आप लिमिट के विदिन हो। तो ना ही बिहार में नीड है रजिस्ट्रेशन लेने की और ना ही मणिपुर में नीड है। सेकेंड केस देखिए, बिहार मणिपुर इस बार 6, 8, 14 है और लिमिट घट के कितना हो जाएगा? 10। तो बिहार में भी नीड है और मणिपुर में भी नीड है। ओके, लिमिट क्यों घटा? इसकी वजह से, थ्रेशोल्ड लिमिट घट के क्यों है? मणिपुर की वजह से। अब आइए बिहार और मणिपुर, फिर से 6, 8, 14 है, लेकिन इस बार मणिपुर में आप क्या कर रहे हो? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो ये जो अप्लीकेबल एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग चेक करते हैं, ये सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं अप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए, मतलब जिस स्टेट में आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे होते हैं। अब इस बार लिमिट को घटा के आप 10 नहीं कर सकते हो, लिमिट को घटा के 10 नहीं कर सकते हो, क्योंकि मणिपुर स्टेट क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। मानता हूं यहाँ टर्नओवर की लिमिट 10 लाख है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ओनली नॉन टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि वो ऊपर डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे, टैक्सेबल सप्लाई को रेड से भी हाईलाइट किया गया था, रेड से लिखे भी थे कि टैक्सेबल सप्लाई अप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? टैक्सेबल सप्लाई। तो बिहार की लिमिट कितनी हो जाएगी? 20। तो ना ही बिहार में नीड है ना ही मणिपुर में नीड है। आगे देखिए, बिहार मणिपुर मिजोरम 20, 6, 7, टोटल कितना है? 37। मिजोरम में यहाँ टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हो तो लिमिट घट के कितनी हो जाएगी? 10। तो बिहार में भी नीड है रजिस्ट्रेशन लेने की, मणिपुर में इसलिए नीड नहीं है कि यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो? एग्जाम सप्लाई कर रहे हो। तो मणिपुर में नीड नहीं है और मिजोरम में है, मतलब ये जो ऊपर में हम आपको प्रेजेंटेशन करने का तरीका बताया कि एज पर सेक्शन 22 आपको डिफिनेशन कोट करना है, गुड्स के केस में क्या लिमिट है, सर्विस के केस में क्या लिमिट है, दोनों बोथ गुड्स एंड सर्विस के केस में क्या लिमिट है, ऊपर से इस चार्ट को अगर आप समझ गए तो इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजी वे में कवर अप कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ऋषभ इंटरप्राइजेज एज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है जो कि विरार महाराष्ट्र में है, फरवरी इन द मंथ ऑफ फरवरी, कस्टमर्स आर सब कुक फूड एज वेल एज कोल्ड ड्रिंक्स, गुड सर्विस दोनों में डील करते हैं, आपको बताना है कि ये लाइबल टू रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है, फरवरी में अगर आप देखेंगे फरवरी मंथ में तो लिमिट 5.5 लाख और 1.5 लाख, अगर हम जोड़ते हैं 5.5 लाख और 1.5 लाख, ठीक है 7 लाख, ठीक है, जो कि बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो फरवरी मंथ में नो सच नीड, लेकिन जब आप फरवरी मार्च को क्यूम्यूलेट करोगे ना तो ये 12,53,50,000, टोटल 20,50,000, मतलब यहाँ पे लिमिट आप 20 से ऊपर जा रहे हैं, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट को आप एक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स और सर्विस के केस में ये लिमिट हम लोग 20 लाख तक चेक करते हैं। ठीक है, तो अब आपको महाराष्ट्र में नीड है बट उत्तराखंड में नीड नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की, क्योंकि उत्तराखंड में आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। बस उसी को जैसे हम अभी चार्ट में आपको बताया, एक पीडीएफ अभी जो हम लोग जस्ट ऊपर अप पर है उसको अपने लैंग्वेज में ऐसे लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको टर्नओवर ऐसे काउंट करके बता देना है, फिर आपको बताना है कि महाराष्ट्र में नीड है उत्तराखंड में नीड नहीं। तो ये पीडीएफ आपको देखिए कितना हेल्प करेगा, हम आपको याद करने का तरीका भी बता दिए कि कैसे याद रखना है चीजों को निमोनिक के साथ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां से डाउनलोड कर लेना है, आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, और हमारी प्रॉमिस है आपसे, आप यकीन करो मेरी प्रॉमिस है, मैं आपको टिल लास्ट डेट तक सपोर्ट दूंगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका किसी भी तरीके का डाउट है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, स्पेशल जीएसटी डाउट सॉल्विंग का ग्रुप होगा, आप वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम को भेजो, वहां पे आपके
के डाउट में ले लूंगा, टिल लास्ट डेट तक आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो बस आप लोग इसके लिए बस आपको दो छोटा काम करना है, एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई अगर आपको हेल्प होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आगे भी शेयर करो कि और किसी को भी हेल्प हो, और जहां भी जिस भी पॉइंट में मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूं, आप लोगों को लगता है कि नहीं बंदे ने इस पॉइंट को तो अच्छे से कवर अप किया, वाकई मैं मानता हूं कि चलो ये चीज अब अपना हो गया, एटलीस्ट आप कमेंट में कोट कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन लगेगा कि हाँ कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, स्टेट वाइज दिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट में नीड है रजिस्ट्रेशन की, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, आपको वही कथा कहानी जो पीडीएफ में भी बताया लिखने हैं, ऊपर से फिर आपको लिमिट बताना है स्टेट वाइज एग्रीगेट टर्नओवर ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिएगा महाराष्ट्र में नीड है, उत्तराखंड में नीड इसलिए नहीं है क्यों एग्जाम से अप्लाई कर रहे हैं, त्रिपुरा में नीड है, और यहाँ पे लिमिट घट के 10 लाख हो जाएगी क्योंकि एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट का आ गया, 10 लाख आ गया, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है टर्नओवर का वो कितना मानेंगे, 10 मानेंगे, 10 मानेंगे तो हमको हिमाचल प्रदेश में भी नीड है, त्रिपुरा में भी नीड है, बस उत्तराखंड में नीड नहीं है क्योंकि उत्तराखंड में हम एग्जाम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि अगर आप ऐसे मान के चलो, सेकेंड पार्ट भी आपसे पूछा है कि अगर हमें चेंज करना चाहता हूँ इंडिपेंडेंट केसेज में कि अगर एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स हो विद इन स्टेट, तो वहां तो 40 लाख लिमिट देखेंगे, तो 22 लाख 50 हजार कहीं बहुत ज्यादा कम है, तो नीड नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की। सेकेंड केस में अगर वो गुड्स एंड सर्विस दोनों हो तो लिमिट घट के 20 लाख आ जाएगी, तो 22 50 लिमिट को क्रॉस कर गया, यानी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की नीड है। तीसरा बोल रहा इंटर स्टेट सप्लाई, तो सेक्शन 24 के हिसाब से कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, और देखिए वही किया। कंसेप्ट आपको याद है, क्वेश्चन आपके कंट्रोल में है, बाकी सारी चीजें आसान है। ठीक है, जैसे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो भी हम लोग कर रहे थे, पहला केस में नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन क्योंकि वहां लिमिट 40 लाख चेक करेंगे, दूसरे में हम 20 लाख चेक करेंगे, यहाँ पे लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, सेक्शन 24 के हिसाब से कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए इंटर स्टेट सप्लाई के केस में, तो दूसरा क्वेश्चन भी डन होगा। तीसरा क्वेश्चन एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड है, बोला कि कौन कौन से एग्रीगेट टर्नओवर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे सेल ऑफ डीजल भाई राजस्थान, ये आएंगे। ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में क्योंकि एग्जाम सप्लाई हम लोग इंक्लूड करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में, और एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये जॉब वर्क के चैप्टर में भी मैं क्लियर करूंगा, फिलहाल अभी बता देता हूँ कि आप जॉब वर्क के लिए अगर एज ए प्रिंसिपल आप जॉब वर्कर को गुड्स दिए हो, उस पर वो काम करके वहां से विद इन टाइम लिमिट, 3 साल और 1 साल होता है, विद इन टाइम लिमिट अगर आप वहां से डायरेक्टली सप्लाई कर देते हैं किसी थर्ड कस्टमर को, तो वो प्रिंसिपल का सप्लाई माना जाएगा, ना कि जॉब वर्कर का सप्लाई माना जाएगा, तो ये यहाँ पे जॉब वर्कर के रोल में प्ले होते हैं, तो इनके टर्नओवर में आएंगे नहीं। ठीक है, एक्सपोर्ट बिल्कुल आते हैं टर्नओवर में, एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं सप्लाई टू इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान विद इन स्टेट, अगर आप दूसरे एडिशनल प्लेस पे सप्लाई करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको हम लोग सप्लाई मानते ही नहीं। ओके, तो इसको भी कंसिडर नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिएगा आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन जीएसटी भी लेवल अंडर रिवर्स चार्ज, आउटवर्ड सप्लाई वो तो सप्लायर का टर्नओवर हुआ ना, आप तो इनवर्ड सप्लाई कर रहे हो, उस पर आपकी लाइबिलिटी आरसीएम की वजह से आ रही है। ठीक है, तो आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, भले लाइबिलिटी किसकी आ रही है, रिसिपियंट की आ रही है, लेकिन आपके लिए क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है, तो ये भी आपके टर्नओवर में आएगा। देखिए 7 लाख, और बिल्कुल एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन से हिसाब से देखिए, सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन टू यूनिट्स द सेम स्टेट इज नॉट ए सप्लाई, हेंस इट नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब आपको कंसेप्ट आ रहा है ना, तो क्वेश्चन पढ़ते खत्म हो जा रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफा इंस्टीट्यूट इसको टेस्ट कर चुका है, मतलब मैक्सिमम टाइम ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको करना है क्योंकि इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट चेक किया गया, एक तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर को चेक हुआ ही है, दूसरा आईटीसी के कंसेप्ट को भी चेकआउट किया गया, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी मैं समराइज किया हूँ आपको समझाने के लिए कि इस तरीके के क्वेश्चन में बताएगा, ये क्वेश्चन का एक सिनेरियो बता रहे हैं कि हम पहले एग्जाम सप्लाई कर रहे थे, हाफ ईयर के बाद मैं टैक्सेबल सप्लाई करने लगा। ठीक है, हाफ ईयर के बाद क्या करने लगा, टैक्सेबल सप्लाई करने लगा, या
पहले हम एग्जाम सप्लाई में थे, एक ऐसा नोटिफिकेशन आ गया कि एक पार्टिकुलर डेट के बाद वो टैक्सेबल हो गया। आप मशीन खरीदे थे, आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो, उस मशीन का ITC आप क्लेम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब वो एग्जाम सप्लाई में था, टैक्सेबल सप्लाई नोटिफिकेशन की वजह से वो टैक्सेबल सप्लाई हो गया, क्या उसको नीड है रजिस्ट्रेशन लेने की? मतलब इस क्वेश्चन का सिनेरियो है, तो इस क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका है, मतलब एंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो आप 22 सेक्शन 22 के हिसाब से लिमिट क्या बोलते हैं उसको कोट करना। ठीक, सेक्शन 23 के हिसाब से नट लेवल फॉर रजिस्ट्रेशन वाला कहानी भी बता देना कि एग्जाम सप्लाई में था इसलिए नट लेवल फॉर रजिस्ट्रेशन है। और 25 वाला भी एक लाइन कोट कर देना है कि मन करे तो आप रजिस्ट्रेशन ले लो, सेक्शन 25 में बोलता वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो ये आपके आंसर का एक पार्ट हुआ, मतलब ऊपर में आप पहले सेक्शन 22 को कोट कर रहे हो, 23 को एक दो लाइन कोट कर दिए, 25 को एक लाइन कोट कर दिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक थोड़ा एक मिनी कंसेप्ट आपको रिकॉल करा रहे हैं। सपोज करिए आप बिजनेस 1 अप्रैल से कर रहे हैं, लेकिन आप थ्रेशोल्ड लिमिट को कब टच कर रहे हैं? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से विदिन 30 डेज, मतलब आगे 30 अक्टूबर तक, मतलब इसके भीतर में अगर आप अप्लाई कर दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानेंगे? 1 अक्टूबर मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 अक्टूबर, भले सर्टिफिकेट किसी और दिन आपको ग्रांट हो। मान लो 15 अक्टूबर को आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ, लेकिन आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब मान के चलेंगे? 1 अक्टूबर, अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं देन, तो जिस दिन सर्टिफिकेट आपको मिली, जिस दिन ग्रांट हुआ, जैसे अभी एग्जाम्पल क्या लिए, 15 अक्टूबर, क्या लिए थे? 15 अक्टूबर, तो आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ये भी टेस्ट हुआ है कि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के केस में कैपिटल गुड्स की ITC नहीं मिलती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कैपिटल गुड्स का नहीं ले पाएंगे अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए, एलेमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 45 लाख था, वो पहले एग्जाम सप्लाई में थी, 1 नवंबर से हम क्या किए, एग्जेम्पशन विड्रॉन करके टैक्सेबल कर दिया, GST 12% वाला। आपको क्या लगता है, उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड है क्या? नीड टू गेट रजिस्टर्ड, हाँ बिल्कुल नीड है, क्योंकि पहले नहीं नीड थी, लेकिन 1 नवंबर है तो हम विद इन 30 डेज, 1 नवंबर से आगे 30 दिन, विद इन हम 30 डेज अप्लाई कर देंगे सर्टिफिकेट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर में हम एग्जाम सप्लाई को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो जैसे ही आप एग्जाम सप्लाई को इंक्लूड करोगे तो थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर जा रहा है, 2040 जो भी आप यहाँ एप्लीकेबिलिटी आएगा उसको एक्सीड कर रहा है, जैसे 40 लाख को एक्सीड कर रहा है क्या 45 लाख, जिसकी वजह से हमको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड पड़ रही है। कहाँ? यहाँ पे लिखा होगा, जिसकी वजह से हमको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड पड़ रही है। देखिए, नीड्स टू रजिस्टर, और सेक्शन 23 के हिसाब से ये कोट किया है कि वो एग्जाम सप्लाई में था तो पहले उसको नहीं जरूरत था। तो देखिए इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका, जब हम बताया 22 को कोट करो, लगे हाँ 23 को भी कोट कर लो कि नट लेवल फॉर रजिस्ट्रेशन था, थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करते हुए भी 45 लाख टर्नओवर था भले, लेकिन वो एग्जाम सप्लाई में था इसलिए 23 के हिसाब से नट लेवल फॉर रजिस्ट्रेशन था। फिर आप चुपके से 25 को भी जिक्र कर सकते हो कि मन करे तो वॉलंटरी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लिए क्योंकि अब एग्जेम्पशन विड्रॉल हो गया। अब आपसे इस क्वेश्चन में एक चीज और चुपके से पूछा है, क्वेश्चन का एक और पार्ट यहाँ पे है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4, कि वेदर इट कैन एवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एडिशनल मशीनरी परचेज फॉर स्किल मैन्युफैक्चरिंग। हम बोले जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, तो हमको कैपिटल गुड्स के केस में ITC नहीं मिलती है, तो नहीं मिलती है। अब उसी को यहाँ कोट कर देना आंसर, कैन नॉट अवेल क्रेडिट फॉर एडिशनल मशीनरी परचेज एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओनली इनपुट अलाउड व्हेन अ पर्सन गेट रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के केस में कैपिटल गुड्स रहता है तो ITC आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस एडिशनल पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक एडिशनल पॉइंट छोटा सा, कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर ये तक तो सेम है, जीते जा पढ़ लो हो जाएगा एकदम सेम 4 की तरह। बी में एक आपसे पूछा कि सपोज करो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो क्या इसको जो मशीनरी जो परचेज कर रहा है उस पे ITC क्लेम कर पाएगा क्या? बिल्कुल, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहले से रजिस्ट्रेशन इसका हो चुका है तो ये करेगा। बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपको रिकॉल कराता हूँ, ऐसे हालांकि इसको ITC चैप्टर में डिटेल्स पढ़ाऊंगा, कैपिटल गुड्स के केस में पहले
एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा था वो चीज, वो मशीन, अब आप टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हो, तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस करके आईटीसी मिलेगा क्या? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। तो बिल्कुल इसको देखिए, इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो हम क्या किए, डेट ऑन विच क्रेडिट बिकम लायबल 31 अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर को एग्जेम्पशन विड्रॉन हुआ है और विद इन 30 डेज अप्लाई कर रहे हैं, तो 31 अक्टूबर के दिन, तो कुल मिला के हम देखे तो मेरा 2 क्वार्टर इंक्लूड हो जा रहा है। तो 2 क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि 20 लाख का 18% कितना हुआ, 3,60,000, इसका 5% 2 क्वार्टर से 36,000 माइनस करेंगे तो आईटीसी कितना क्लेम करेंगे, 3,24,000, मतलब 5% पर क्वार्टर और पार्ट दर ऑफ रिड्यूस कर देंगे। ओके, क्योंकि मशीनरी हम कब परचेस किए हैं, देखिए 2 क्वार्टर ही क्यों लिए, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि बस कंसेप्ट बताया और वहां रिकॉल करके आगे भागते चले गए, निकलते चले गए। आप यहाँ पे मशीनरी परचेज कर रहे हो, परचेज एडिशनल मशीनरी ऑन 1 जुलाई, ठीक है? तो जुलाई अगस्त सितंबर 1 क्वार्टर ये हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब पार्ट देयर ऑफ, तो 2 क्वार्टर हो गया, ठीक है? तो 5 नंबर क्वेश्चन में एडिशनली पॉइंट करते, यहाँ आईटीसी इसलिए दिए हैं, बार बार रिकॉल कर रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। ये भी अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वाला बात होती तो इसको हम आईटीसी नहीं देते, बिकॉज क्वेश्चन में चुपके से बोला कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब बताओ क्या है, तो आप कैपिटल गुड्स पहले एग्जाम्पल प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा था, अब टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो हम आईटीसी देते हैं 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस करके। ओके, अब 6ठा नंबर क्वेश्चन फिर से एग्रीगेट टर्नओवर को चेकआउट कर रहा है कि आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालो। तो देखिए टैक्सेबल सप्लाई इसको भी लेंगे, टैक्सेबल गुड्स इसको भी लेंगे, एक्सपोर्ट्स को भी लेंगे, एग्जेम सप्लाई को भी लेंगे, नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी लेंगे। अब वन मैन कंपनी, ये कंपनी का है तो कंपनी के टर्नओवर में लेंगे इसको, इसके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जेड इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, आरसीएम की लाइबिलिटी आ रही है भैया, इसको टर्नओवर में नहीं लेंगे, ठीक है? तो देखिए, तो आप क्या देखें, मतलब इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से रिकॉल भी किए कि कैसे सेक्शन 22 का यूज करना है, 23, ठीक है, कैसे कैपिटल गुड्स के केस में आईटीसी कब लेंगे कब नहीं लेंगे, पहले एग्जाम्पल। तो हम लोग 6-7 क्वेश्चन अच्छे से किए, एक एक क्वेश्चन को किए। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर को हम लोग अभी यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम अगली वीडियो जिसमें हम आपसे वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे, ठीक है? और वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आईटीसी, हो सकता है ये 2 पार्ट में है, 40-40 मिनट का 2 वीडियो हो, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। और आईटीसी को भी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जितना इजी हो सके इजी करूं, क्योंकि आईटीसी चैप्टर को लेकर पहले से बहुत सारा ड्रामा भी क्रिएट है कि ये आईटीसी है, जल्दी समझ में आता नहीं है। तो जैसे अभी तक हम जितने भी चैप्टर को किए हैं आप लोग देख रहे होंगे कितना शॉर्ट शॉर्ट टाइम में करते जा रहे हैं, और जहां जहां नीड हो रही है कंसेप्ट को भी रिकॉल करते चल रहे हैं। तो ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।